उदाहरण तीन देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ एक्स जो निम्न प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक बटा एक्स बटे एक प्लस ई की पावर एक बटा एक्स, जबकि एक्स जीरो के बराबर नहीं है, और मान है जीरो जबकि एक्स जीरो के बराबर है, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। तो हम यहां देखते हैं कि जब फलन का मान एक्स बराबर जीरो लेते हैं तो फलन का मान जीरो है, अर्थात एफ जीरो किस प्रकार से परिभाषित है, एफ जीरो फलन का उस बिंदु पर मान जहां पर कि हम उसका परीक्षण कर रहे हैं कंटिन्यूटी का, वो शून्य है, एफ जीरो जीरो के बराबर है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, बाई सीमा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसके लिए फलन इस प्रकार से परिभाषित है जबकि एक्स जीरो के बराबर नहीं है, हमें एक्स को किससे रिप्लेस करना है, जीरो माइनस एक्स से। इसका तरीका क्या रहता है कि जब जीरो तो यहां पर है, जब बाई सीमा हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हमें जीरो से कम लेना है, तो जीरो माइनस एच से हमें एक्स को रिप्लेस करना होगा। मान कितना आ जाएगा, ई की पावर एक बटा जीरो माइनस एच बटे एक प्लस ई की पावर एक बटा जीरो माइनस एच, इस प्रकार से परिभाषित होगा। यह मान कितना हो गया, ई की पावर माइनस एक बटा एच बटे एक प्लस ई की पावर माइनस एक बटा एच। अब यहां हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ई की पावर माइनस एक बटा एच से क्या अभिप्राय है। देखो, हम ई की पावर एक बटा एच को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बटा ई की पावर माइनस एक बटा एच, इस प्रकार से लिख सकते हैं, घातांक से हम जानते हैं। तो ये मान किसके बराबर हो गया है, ये मान मैं एक बटा ई की पावर जो अंश में लिखा है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक बटा ई की पावर एक बटा एच। अब जब एच टेंड्स टू जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, एक बटा जीरो, अगर मान रख दे तो, अगर हम एच का मान जीरो ही रख दें तो ये हो जाएगा एक बटा एक ई की पावर एक बटा जीरो, अर्थात ई की पावर एक बटा जीरो जो कि अनंत है, तो ये मान शून्य की ओर अग्रसर है, ये मान शून्य होगा, अर्थात ई की पावर माइनस एक बटा एच को मैं जीरो के बराबर लिखूंगा, तो ये मान कितना हो गया, जीरो बटा एक प्लस जीरो। पुनः समझें, हम घातांक से जानते हैं कि ये मान कितना हो गया, एक बटा जो अंश में लिखा है, जो अंश में लिखा है ये मान हो गया एक बटा ई की पावर एक बटा एच। अब जब एच टेंड्स टू जीरो है तो ये एक बटा जो हर में लिखा है ये मान कैसे लिख सकता हूं मैं, एक बटा ई की पावर एक बटा जीरो, अगर एच बराबर जीरो ले लें, और ये क्या हो गया, ये एक बहुत बड़ी संख्या हो गई, जब एक में बहुत बड़ी संख्या अनंत का भाग लगाएंगे तो जीरो की ओर जीरो होगा, तो इसलिए इसकी लिमिट का मान हो गया जीरो, एक प्लस जीरो अर्थात मान आता है जीरो के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी मान कितना हमने प्राप्त कर लिया, शून्य के बराबर है। अब राइट हैंड लिमिट ले, दाई सीमा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां हमें जो एक्स है उसे जीरो प्लस एक्स से दाई सीमा जीरो के आगे जाना है, तो जीरो प्लस एच से हमें रिप्लेस करना है, ई की पावर एक बटा जीरो प्लस एच बटे एक प्लस ई की पावर एक बटा जीरो प्लस एच। मान कितना आ गया, ई की पावर एक बटा एच बटे एक प्लस ई की पावर एक बटा एच। इस e की पावर एक बटा एच को यदि मैं हर में लाऊं तो ये कैसे लिख सकता हूं, ये मान हो जाएगा एक बटा e की पावर एक बटा एच प्लस एक,
इस e की पावर 1/h का मैंने अंश और हर दोनों में भाग लगा दिया, तो ये मान ऐसा आ जाएगा। मान कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 1/e की पावर -1/h + 1। अब हम देख चुके हैं कि ये मान किसके बराबर है, e की पावर -1/h, ये 0 के बराबर है, तो मान हो गया 1/0 + 1, अर्थात 1/0 + 1, 0 + 1 होता है 1, तो मान आ गया 1 के बराबर। अब यहां f0 फलन का मान x बराबर 0 पर 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, क्योंकि यहां स्पष्ट है कि जो फलन का मान x बराबर 0 पर 0 आ रहा है, बाई सीमा और दाई सीमा बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है।